रिहाइश की शर्त और इसी रबी उल शरीफ में सरकार की आमद के ताल्लुक से एक नातिया मुशायरा 9 दिसंबर को करने के लिए रखा गया है मदीना की तरफ से, जिसमें मुल्क के कोने कोने से शोरा कराम तशरीफ ला रहे हैं और वो सभी हजरात जो हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान पूरी इंसानियत और दुनिया के लिए है उसको नशे में पेश कर रहे हैं। और ये सिलसिला जो शुरू है और आज की जो ये रात है, पूरा शहर हमारा कानपुर डॉक्टर नूर बना हुआ है, हर गली कूचे को आमद रसूल के मौके पर सजा दिया गया है। हम पैगाम देना चाहते हैं कि कल जुलूस ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलेगा तो उस जुलूस में गैर शरई नारे न लगाए जाएँ, तहजीब के साथ दरूद व सलाम सलाम पढ़ते हुए लोग निकलें और सिर्फ जुलूस में से निकला हो बल्कि जो ज़ैली कमेटियाँ हैं और जो आयाम के लिए लोग काम कर रहे हैं उनको चाहिए कि 12 रबीउल अव्वल को हॉस्पिटल जाएँ लोग और वहाँ दवाइयों का इंतजाम करें, लोगों की मालदारी करें और उनकी हल तकसीम करें, गरीबों के कमरों का इंतजाम करें, गरीबों का राशन का इंतजाम करें। और ये पैगाम है कि साथ साथ कम से कम एक एक दरख्त लगा दें कल के दिन पूरे हिंदुस्तान में ताकि पूरा मुल्क सब्जाजार हो जाए और हमारे मुल्क की आलूदगी भी ख़त्म हो और शजरकारी से जो फ़वाद होते हैं वो फ़वाद भी हासिल हों।